नमस्कार आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूं प्रदीप सिंह एक सवाल मन में बार बार उठता है और आज से नहीं लगभग पचहत्तर अस्सी नब्बे सालों से उठ रहा है वो ये है कि कांग्रेसी आखिरकार स्वतंत्र वीर सावरकर से डरते क्यों हैं उनसे इतनी घृणा क्यों करते हैं डर तो एक बार फिर भी समझ में आता है लेकिन इतनी घृणा क्यों है उसके कई कारण हैं और उसके मूल में क्या कारण है उसकी बात करूंगा उससे पहले ये समझ लीजिए कि सावरकर किन चीज़ों के लिए जाने जाते थे किन बातों के लिए जाने जाते थे भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और उसके उसके लिए कोई भी बलिदान देने के लिए सावरकर हमेशा तैयार थे तो कोई व्यक्ति एक अकेला व्यक्ति अगर उसकी अपने धर्म में अपने अपनी सभ्यता में उसकी विरासत में इस तरह की अटूट निष्ठा हो तो वो पूरे साम्राज्य से लड़ सकता है और वो लगातार किससे लड़े अंग्रेज़ों की हुकूमत से लड़े और ब्रिटिश साम्राज्य के सामने कभी घुटने नहीं टेके ये जो कांग्रेसी कहते हैं कि सावरकर ने माफ़ी मांगी ये ये संदर्भ मैंने इसलिए उठाया कि अभी राहुल गांधी के खिलाफ जब पुलिस की जांच चल रही है उसके अलावा जब उनसे संसद में माफी मांगने की बात कही जा रही है देश का अपमान करने के लिए तो एक एक पोस्टर चलाया है कांग्रेस ने और कहा कि क्या हमको सावरकर समझे हो मैं राहुल गांधी हूं तो राहुल गांधी हजारवां अंश भी नहीं हो सकते वीर सावरकर का वीर सावरकर ने जो बलिदान दिया है जो कुछ किया है उनका जो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है उनका जो सांस्कृतिक कंट्रीब्यूशन है उसके अलावा देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका जो योगदान है उसके मुकाबले पूरी कांग्रेस का योगदान मुश्किल से ठहरता है अंग्रेज कांग्रेस के डर से या अहिंसा के आंदोलन से देश छोड़कर नहीं चले गए देश छोड़कर भाग कर गए अंग्रेज़ क्यों गए दो तीन तीन लोगों के डर से पहला जो डर था वो बम्बई का नौसैनिक विद्रोह दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाकर चढ़ाई की अंडमान में तिरंगा फहराया अंग्रेज नेताजी से जितना डरते थे शायद ही किसी से डरते हों, उसके बाद अगर किसी से डरते थे तो वो सावरकर से सावरकर उनके लिए हर समय चुनौती की तरह खड़े रहे अकेले हिंदू महासभा के साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे सावरकर की लोकप्रियता का अंदाज़ा हिंदुओं के बीच आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब काला पानी की सज़ा काट कर आए अंग्रेजों ने लगातार उन पर अत्याचार किया अंडमान में उनको जो है अंडा सेल में रखा उसके अलावा वहाँ पर अकल्पनीय अत्याचार किए गए कोई सामान्य व्यक्ति उससे निकल कर उसका फिर से उठ खड़ा होना संभव नहीं था सावरकर ने ऐसा किया 1940 में जब वो शारीरिक रूप से बिल्कुल अशक्त हो गए थे स्वास्थ्य उनका बहुत ख़राब था तो उन्होंने हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा पूरे देश के हिंदुओं ने एक स्वर से कहा कि इस्तीफा मंजूर नहीं होगा आखिर में उनको मदुरई अधिवेशन में हिंदू महासभा के स्ट्रेचर पर लेटे लेटे अधिवेशन को संबोधित करना पड़ा ये थी उनकी ताकत ये उनकी जिजीविशा थी ये उनकी निष्ठा थी अपनी सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता में जिससे लड़ना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो रहा था और इस हालत में भी इतने अत्याचार के बाद भी सावरकर जो है उन्होंने हार नहीं मानी 1937 में उन्होंने कर्णावती में अपने भाषण में कहा था कि जो भी हिंदू संस्कृति सभ्यता को कमजोर करने की कोशिश करेगा उसका जवाब दिया जाएगा और उन्होंने कहा इसको कमज़ोर करने के पीछे जो सोच है जो नीति है सबसे बड़ी नीति जो इसको कमज़ोर कर रही है वो ये ये सोचना कि हिंदू मुस्लिम एकता हो सकती है ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रोजेक्ट है ये ये जो परिकल्पना है ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर रही है भारतीय संस्कृति की विरासत को बचाने के अभियान उन्होंने कहा कि जब कोई किसी भी देश का जब कोई बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समाज के आगे घुटने टेक कर खड़ा हो जाता है तो अल्पसंख्यक समाज अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने से बिल्कुल नहीं चूकता वही भारत में हो रहा है इसीलिए वो गांधी जी के विरोध में थे इसीलिए वो अहिंसा के विरोध में थे इसीलिए वो कांग्रेसियों के तौर तरीकों के विरोध में थे और उन्होंने मुसलमानों से बड़े साफ शब्दों में कहा कि अगर साथ आओगे तो तुम्हारे साथ अगर साथ नहीं आओगे तो तुम्हारे बिना अगर विरोध करोगे तो तुम्हारे बावजूद हिंदू अपनी आज़ादी की लड़ाई स्वतंत्रता का संग्राम लड़ेंगे और जीतेंगे कांग्रेस सावरकर से घृणा क्यों करती थी सावरकर को वो तोड़ नहीं पाए अंग्रेज भी तोड़ नहीं पाए और कांग्रेस पार्टी भी तोड़ नहीं पाई बहुत कोशिश की कांग्रेस ने कि हिंदू महासभा का कांग्रेसीकरण हो जाए वो कांग्रेस का हिस्सा बन जाए उसको सावरकर ने होने नहीं दिया सावरकर की सोच रखने वाले उनका समर्थन करने वालों ने होने नहीं दिया तो देखिए कांग्रेस ने किस किस तरह से बदला लिया कांग्रेस ने गांधी जी की हत्या के बाद वीर सावरकर को उनकी हत्या के षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश भरपूर कोशिश की जितनी ताकत थी उतनी ताकत लगाई वो भला हो अदालत का अदालत ने कोई सबूत नहीं होने के कारण उनको बाइज्जत बरी किया सावरकर को अदालत से बाइज्जत बरी किया गया था फिर भी आज तक और ये बात है फरवरी उन्नीस की जब अदालत का फैसला आया था उस समय से आज तक कांग्रेसी हमेशा सावरकर को गांधी की हत्या का जिम्मेदार उस षडयंत्र में शामिल होने वाला बताते हैं तो अदालत की नहीं मानते जनमत की नहीं मानते उनके त्याग को नहीं मानते उनके बलिदान को नहीं मानते उनके संघर्ष को नहीं मानते ऐसा व्यक्ति उन्हें कांग्रेसियों को मंजूर नहीं है चाहे आज़ादी के पहले के कांग्रेसी रहे हों चाहे आज़ादी के बाद के जो व्यक्ति जो है इस समझौता करने के लिए तैयार ना हो ब्रिटिश हुकूमत से उन्होंने समझौता नहीं किया कभी ये बात कांग्रेस को बहुत ज़्यादा चुभती रही वो इसलिए चुभती रही कि कांग्रेस के लोगों ने कदम दर कदम जो है समझौता किया ब्रिटिश हुकूमत से आप पूरा आज़ादी का इतिहास उठाकर देख लीजिए स्वतंत्रता संग्राम का पूरा पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि कांग्रेस की पहली कतार का कोई नेता कभी अंडमान में भेजा गया हो कभी उसको जो है इस तरह की यातना दी गई हो कभी इस तरह की सज़ा दी गई होगी ज़्यादातर कांग्रेसी नेता बड़े बड़े महलों या इस तरह के फाइव स्टार लोकेशंस में जो जेल बनाई गई उनमें रहे वीआईपी कैदी की तरह रहे हर तरह की सुख सुविधा खासतौर से बड़े नेताओं को हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध थी जिस समय जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज़ों की फाइव स्टार जेल में बैठकर अपने परिजनों को चिट्ठी लिख रहे थे उस समय सावरकर यातनाएं झेल रहे थे ये फर्क है कांग्रेस के नेतृत्व तो और सावरकर में तो कांग्रेस के लिए घृणा करने के बहुत से कारण हैं सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको लगता है कि ये जो विरासत हम हथियाने की कोशिश लगातार पचहत्तर साल से कर रहे हैं कि आज़ादी अगर किसी ने दिलाई तो कांग्रेस पार्टी ने दिलाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिलाई उस क्लेम को उस उस दावे को सावरकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोग और या फिर अट्ठारह का की जो गदर थी और उसके अलावा नौसैनिक विद्रोह इन सब को, को श्रेय न मिलने पाए आज़ादी का भारत को आज़ाद कराने का इसके लिए कांग्रेस के तमाम जो है वो पिट्ठू हिस्टोरियंस इस तरह की किताबें लिखते रहे इस तरह के लेख लिखते रहे जिनमें इन सब लोगों का जिनका सबसे ज़्यादा योगदान था उनके बारे में सबसे कम बताया जाए और जिनके बारे में बताया जाए उनको विलन के रूप में दिखाया जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे शख्स थे जिनको वो खलनायक के रूप में दिखा नहीं पाए तमाम कोशिश के बावजूद नहीं कर पाए तमाम कोशिश के बावजूद लोगों की स्मृति से उनको उनको हटा नहीं पाए आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इतने बरस हो गए इतने दशक हो गए किसी ने देखा नहीं लेकिन आज भी लोगों के मन में उनके प्रति जो सम्मान है वो आज़ादी के आंदोलन के किसी नेता के प्रति नहीं है तो सावरकर से चिढ़ का कारण सावरकर से नफरत का कारण सबसे बड़ा है कि कांग्रेस की जो सामंत शाही है कांग्रेस का जो जो ये दावा है कि आज़ादी भारत को आज़ादी जो है कांग्रेस के नेताओं के संघर्ष से मिली उस पर सवाल उठाते हैं सावरकर और वो खुद सवाल नहीं उठाते उनकी जो तपस्या है उनका जो संघर्ष है वो सवाल उठाता है इस वजह से कांग्रेस चिढ़ती है और कांग्रेस के लोगों ने कभी कांग्रेस के लोगों ने कभी सावरकर को वो सम्मान देने की कोशिश नहीं की आज़ादी के बाद भी जो वो डिज़र्व करते थे जिसके वो हकदार थे उनकी मौत के बाद इंदिरा गांधी ने ज़रूर चिट्ठी लिखी और उनकी प्रशंसा की उनके संघर्ष की प्रशंसा की उन उन पर डाक टिकट जारी किया लेकिन उन्हीं इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी जब भी मौका मिलता है सावरकर को गाली देने से नहीं चूकते तो इसका मतलब तो एक ये है कि ये कांग्रेस के डीएनए में है सावरकर का विरोध सावरकरवादी ताकतों का विरोध उन सब ताकतों का विरोध जो भारत की सांस्कृतिक एकता को अक्षुण रखना चाहते हैं जो भारतीय सभ्यता को बचा कर रखना चाहते हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है उसको उसको रिक्लेम करना चाहते हैं उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं उन से चिढ़ है तो उसके सबसे बड़े प्रतीक के रूप में नज़र आते हैं कांग्रेस को वीर सावरकर इसलिए सावरकर के खिलाफ ऐसा माहौल है राहुल गांधी और सावरकर की तुलना करने के लिए आपके पास अगर अगर दिमाग नहीं है या आपके दिमाग में कोई खलल है तभी आप तुलना कर सकते हैं तो आज के जो कांग्रेसी हैं उनको कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि सावरकर का कंट्रीब्यूशन क्या है और सावरकर के लिए लोगों के मन में किस तरह की भावना है क्या सम्मान है किस तरह से लोग सावरकर के संघर्ष को देखते हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उसका नतीजा ये है कि हर बार जब सावरकर को कांग्रेस पार्टी के नेता और राहुल गांधी गाली देते हैं तो हर बार हिंदुओं का एक बड़ा समूह कांग्रेस से दूर होता जाता है उनको समझ में आता है कि ये सावरकर पर हमला नहीं है ये भारतीय संस्कृति पर भारतीय सभ्यता पर हमला है तो जो कुछ भारत का है जो सनातन है उसके प्रतीक के विरोध के रूप में उभर रही है आज की कांग्रेस पार्टी और उस प्रतीक को और पुनर्स्थापित करने के लिए या और ताकतवर बनाने के लिए राहुल गांधी के ये बयान इस तरह की टिप्पणियाँ और उनके समर्थकों के इस तरह के बयान कि मुझे क्या सावरकर समझा है राहुल गांधी को कौन पागल होगा जो सावरकर समझने की गलती करेगा सावरकर का मुकाबला मैं फिर कह रहा हूँ कांग्रेस की पूरी लीडरशिप मिलकर भी नहीं कर सकती जिस तरह का उनका योगदान है इस देश की संस्कृति को बचाने में इस देश की सभ्यता को बचाने में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष में और बचे हुए मुसलमान शासकों के अत्याचार से उनकी हिंसा से उसके खिलाफ खड़े होने में तो सावरकर के कारण कांग्रेस को बहुत सारी परेशानियां हैं सावरकर के कारण जो है ये गंगा जमुनी संस्कृति जो है वो धराशायी हो जाती है अपने अपने पैर पर खड़ी नहीं हो पाती वैसे भी झूठ के पांव नहीं होते उसके अलावा कांग्रेस का जो आज़ादी के आंदोलन का दावा है वो ध्वस्त हो जाता है और इतना ही नहीं सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी उनके साथियों उनके करीबियों को पसंद नहीं आती वो ये है कि गांधी परिवार का जो दावा है कि देश के लिए बहुत बलिदान दिया देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया उस दावे को खोखला साबित करते हैं सावरकर जब भी उनका नाम आता है इसीलिए उनको गांधी हत्या में फंसाने की कोशिश की गई इसीलिए गांधी हत्या के बाद हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई कि हिंदुओं के नाम पर संघर्ष करने वाले हिंदू संस्कृति की बात करने वाले हिंदू सभ्यता की बात करने वाले हिंदू संस्कृति की विरासत की बात करने वाले सर न उठा पाए इसकी कोशिश अंग्रेज़ आज़ादी से पहले कर रहे थे और इसकी कोशिश आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने कांग्रेस के नेताओं ने किया इसलिए कांग्रेस की सावरकर से घृणा समझ में आती है क्योंकि कांग्रेस का पूरा वजूद जिस पर टिका है उस नींव को ही हिलाते हैं वीर सावरकर तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनुमति दीजिए आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार